Hello YouTube, as you can tell from the title, yes, I crashed my KTM RC390. Fortunately, as you can see, itna kuch major nahi hai, so I'm completely fine, no injuries whatsoever. And you know, kuch dino pehle mere ek dost ne mere ko ek quote kaha tha ki there are only two types of riders, riders that have crashed and riders that are going to crash. So now I guess I'm in the category of riders that have crashed. This was my first ever crash on the street. ऑफ रोड पे मैं एक बार गिरा हूँ, बट स्ट्रीट पे फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ. सो जैसा कि आप लोग ने लास्ट व्लॉग में देखा, मैं महाबलेश्वर गया था राइड करने के लिए. मैंने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं घाट से नीचे उतर रहा था. सो हुआ क्या, मैं घाट से नीचे उतर गया और फिर मेरा मन कर रहा था कि मेरे को घाट का और एक राउंड मारना है, तो मैंने यू टर्न मारा. और वो यू टर्न मारते टाइम जब मैं वापस ऊपर जा रहा था घाट पे, तब ये एक्सीडेंट हुआ. तो चलो मैं आप लोगों को फुटेज दिखाता हूँ. अभी देखते मेरा मराठी कितना अच्छा है. सावधान पुढ़े वेड़ी वाकी उड़ने वाहने सावकाश चलवा. एनीवेज मैंने यू टर्न ले लिया, मैं खाट को और एक राउंड मार रहा हूँ. मैं बाइक को काफी लीन कर रहा हूँ, बट आई एम कम्प्लीटली विद इन माई लिमिट्स एंड आई एम इन माई लेन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मेरे पेस में जा रहा था, मुझे ओवरटेक करना था, लेकिन मुझे जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने औकात से ब्रेक मारा, रुक गया, वेट किया और फिर निकला. सो यस, आई वॉज लीनिंग अ बिट हियर एंड देयर, बट इट्स नॉट अनसेफ एज आई एम इन माई ओन लेन एंड आई एम विद इन माई ओन लिमिट्स. ठीक है बाइक को उठा लो. ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, ठीक है ना. हाँ ठीक हो, ठीक हो. क्या मादर चो, उठा उठा. किधर से लिया? बस आप चल रहे थे? किधर से ले रहे हो यार? किधर से दबाया? सामने वाले ने मेरे को दबाया. किधर से ले रहे हो यार? जानबूझ के नहीं किया. इसको उठाओ, इसका ऑयल लीक होएगा. किधर से यार? अरे नहीं नहीं, मैं जानबूझ के नहीं किया. मालूम है क्या? करो करो. इनको मालूम है, बस वाले मेरे को, कार वाले ने कैसे दबाया? क्या यार, सामान देखो आपका सब. हाँ ठीक है, 792. किधर से ले रहा है दादा? कौन देगा इसका? रखो इसको, लगाओ. कौन देगा इसका खर्चे का? कांच गया, ये फेयरिंग गया, देखो. अभी मैं भी क्या करूं, मेरे को दबाए तो मैं, आप तो रुकना तो मांगता था. मैं रुक गया. अभी इसमें फनी चीज ये है कि वो नहीं रुका. अगर वो रुक जाता तो मुझे वो ठोकता ही नहीं. अगर उसको दिख रहा है कि जगह नहीं है तो उसको भी रुक जाना चाहिए था. मैं तो मेरी जगह पे रुक गया था और वो बोल रहा है कि उसको कोई दबा रहा था, कोई उसके आगे पीछे कुछ नहीं था. कौन देगा अभी इसका? कौन देगा? मैं नहीं कुछ कर सकता. क्यों नहीं कर सकते? सब वीडियो में नहीं, इंश्योरेंस कर लो, चलेगा. सब वीडियो में चलेगा, इंश्योरेंस कर लो. आजकल कोई भी सिचुएशन को रिजोल्व करने का बेस्ट एक्चुअली सोल्यूशन यही है कि आप इंश्योरेंस के डिटेल्स एक्सचेंज कर लो और फिर वहीं पर बात खत्म हो जाती है. जिस चीज का डर था वही हो गया. सो इसमें आयरोनिक चीज ये है ना कि जब मैं घाट से ऊपर चढ़ रहा था ना, तब मेरे गोप्रो ने एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैं यही चीज कह रहा था कि ये रोड बहुत ही नैरो है, अपने लेन में रहना है एंड आई होप कि कोई मेरे को हेड ऑन कोलिजन ना मार दे. एंड देन एग्जैक्टली वही हुआ. लिटरली 2 मिनट के बाद मेरे गोप्रो ने रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैंने हाँ वही चीज कही. एग्जैक्टली जो चीज का डर था वो हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ. मैंने जस्ट बोला हेड ऑन कोलिजन ना हो जाए और हो गया. यहाँ पर फेयरिंग पे स्क्रैच है, केसिंग ठीक लग रहा है. मेरे को ज्यादा कुछ हुआ नहीं, एकदम लो स्पीड था. मैं 2 मिनट यहाँ पर रुक के थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ. उसका जो एक्सक्यूज था ना कि उसने मेरे को दबाया, अगर किसने दबाया भी है और देखो दिख रहा है कि सामने से कोई आ रहा है तो ब्रेक मार देना. अभी अगर वो उसको दूसरे साइड से दबाता तो फिर थोड़ी ना वो खाई के नीचे बस ले लेता इतने लोगों को लेके. तो ये बहुत ही स्टूपिड एक्सक्यूज था, गलती उसकी थी, उसको समझ जाना चाहिए. मैं तो मेरे लेन के एज यू कैन सी एकदम ही कोने में था, मैं और कितना कोने में जाऊँ. और ये इम्पैक्ट होने के टाइम तो मेरी स्पीड 0 थी, तो मैंने तो ऑन टाइम ब्रेकिंग कर लिया. अभी वही ब्रेकिंग किया ही नहीं तो फिर मैं क्या करूँ. फॉर्चुनेटली मुझे कुछ मेजर हुआ नहीं,
मैं एज यू कैन सी इन द वीडियो में सीधा मेरे बम पे गिरा, तो मेरे बम पे मुझे 2-3 दिन तक दुख रहा था, मेरे नेक में भी मुझे दुख रहा था, मैं मतलब राइट साइड में देख नहीं पा रहा था और मेरे राइट हैंड में थोड़ा सा पेन था, नो ब्लीडिंग नो नथिंग व्हाट्सएवर, एज यू कैन सी वेरी आई मीन बेसिकली बाइक रुकी हुई थी तो कुछ होएगा नहीं, आई वाज वेयरिंग फुल गियर्स, बट वही है थोड़ा बुरा लगता है कि यू नो बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस मिस्टेक आई हैड टू पे द प्राइस, सो दैट हर्ट्स अ बिट बट इट्स That's life, that's part of riding. Fortunately, bike को कुछ भी नहीं हुआ है, shifter को कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम घर safely पहुंच पाएंगे, कोई problem नहीं है. सिर्फ ये mirror जो ऐसे टूटा है, आप देख सकते हो, और इधर पे fairing पे थोड़ा बहुत scratches आया है, और यहाँ पर भी कुछ हुआ है engine casing पे. Fortunately, मेरे को tool kit के अंदर ये allen key मिल गई, जिससे ये mirror को मैं खोल के अंदर रख दूंगा ताकि ये लटकता ना रहे. मैं रुका हुआ था, उसको भी रुक जाना चाहिए था ये समझ के कि जगह नहीं है, फिर भी वो चलते ही गया और उसके बस के पीछे का साइड मेरे एग्जॉस्ट पे इधर टच हुआ और टच होने की वजह से बाइक पुश हुई और अंदर गिर गया मैं खाई के अंदर. ऐसा ही कुछ था. कल रात को मेरे डैड ने मेरे को वार्निंग दिया था कि ये घाट पे बस वाले बहुत खराब चलाते हैं. डैड की बात सही निकली, तो बहुत ही ज्यादा खराब चलाते हैं साले. कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस होगा. ये घाट पे मैं वापस एंजॉय करने के लिए नहीं आने वाला हूँ, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा नैरो है ये. अभी यहाँ पर छाव में मैं थोड़ा 2 मिनट रुकता हूँ, अपने थॉट्स को गैदर करता हूँ, वो मिरर निकालता हूँ और फिर वापस कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, नहीं चाहिए था मेरे को यार ये. अरे यार मेरी आतंक कितनी गंदी दिख रही है एक मिरर के साथ. फर्स्ट टाइम मेरी बाइक गिरी, दैट ऑल्सो थ्रू नो फॉल्ट ऑफ माई ओन. मैं तो रुक गया था, अगर उसको समझ में आ रहा है कि जगह नहीं है तो उसको भी रुक जाना चाहिए था. वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. सोचो अगर मैं यू टर्न नहीं मारता और सीधा इधर से घर चले गया रहता तो फिर ये सब नहीं होता. आजकल है ना मेरे दिमाग में एक्सीडेंट ये ख्याल बहुत ज्यादा आ रहा है. काफी रिसेंटली मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया मेरे आंखों के सामने. इट वाज सो बैड कि उसके कानों से खून आ रहा था, पूरे बॉडी के ऊपर रोड रैशेस थे. जैसे एक्सीडेंट हुआ ही वाजंट कॉन्शियस, ही वाज इन अ मैसिव स्टेट ऑफ शॉक और उसको सीजर्स आ रहे थे. फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, कैसे ना कैसे 3-4 दिन तक वो आईसीयू में था. अब जाके वो ठीक है. बहुत ही स्कैरी एक्सीडेंट था क्योंकि उसकी हेलमेट निकल गई थी. सो उसकी वजह से ना मेरे दिमाग में आजकल एक्सीडेंट बहुत चल रहा है. और मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि ये राइड पे मैं बहुत ज़्यादा स्पीडिंग या फिर बहुत ज़्यादा कटकुट नहीं करूँगा. नॉट ओनली बिकॉज ऑफ माई ओन सेफ्टी बट ऑल्सो बिकॉज आई हैव पेरेंट्स एट होम. आई डोंट वॉन्ट टू रूइन देयर लाइव्स बाय लेटिंग समथिंग टेरिबल हैपन टू मी. क्योंकि यार हर एक पेरेंट का अल्टीमेटली आप देखोगे ना जीने का रीज़न उनके बच्चे ही रहता है. तो अगर आपको कुछ हो गया उनके ज़िंदगी से रोशनी चली जाएगी. तो मैं संभाल के राइड कर रहा था, वेरी वेल विदिन माई लिमिट्स. आई गेस वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचोगे तो वो हो जाएगा. आई गेस मैं सोच रहा था मेरे साथ हो गया. इसलिए देखो ना मैं एक्सीडेंट होने के पहले भी तो बोल रहा था हेड ऑन कोलिजन ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि मेरे को ये सब रोड पे पॉसिबिलिटीज पता है. काफ़ी बार थ्रू नो फॉल्ट ऑफ योर ओन आपको सीरियस इंजरी हो सकती है. मैं तो फॉर्चुनेटली कुछ भी हुए बिना निकल गया, बाइक भी एकदम प्रॉपर वर्किंग है. और मेरे दोस्त के एक्सीडेंट के बाद मैंने बहुत ही सीरियसली ये चीज़ के बारे में सोचा है कि मैं रोड राइडिंग छोड़ दूँ, ट्रैक पे सिर्फ राइड करूँ, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा रिस्क है. मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ पैर टूट जाए या फिर मैं पैरालाइज हो जाऊँ या फिर मैं मर जाऊँ और फिर उसकी वजह से मेरे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ हो. तो देखते ये सब अभी बस ख्याल है. आज के भी इंसिडेंट मेरे को कुछ ना कुछ सिखाएगा कि यार कैसे लोग रहते और तुम्हें कैसे गिरा सकते. और चलो ये इतना सीरियस नहीं था, बट अगर और सीरियस होता तो फिर वो तो निकल जाता, उसके पास तो कोई शर्म ही नहीं थी. और लफड़ा करके भी क्या करता, वो घाट पूरा जाम हो गया था. मेरे को फ्रंट एंड थोड़ा सा लूज लग रहा है. मेरा कॉन्सेट गया है क्या? हाँ आई थिंक मेरा कॉन्सेट गया है. वह रुक के चेक करना पड़ेगा. मेरे को फ्रंट थोड़ा लूज लग रहा है मेरा, बस पहिया ना निकल जाए चलते चलते. बाइक को भी इतना कुछ हुआ नहीं, बस थोड़ा सा ड्रामेटिक तक, क्योंकि मैं एक डिच के अंदर घुस गया सीधा धड़ंग. ओ भाई मेरे को घर जाके वो मेरा फुटेज देखना है, बड़ा मजा आएगा. आप लोगों ने तो देख लिया रहेगा, बड़ा हिलेरियस था सिचुएशन. और मैं फुटेज देखूंगा ना फिर मेरे को पता चलेगा कि यू नो मैं क्या अलग कर सकता था जिससे ये चीज़ नहीं होती, तो मैं उससे सीखूंगा अगर मेरी उसमें कोई गलती थी तो. सो एनीवेज एक्सीडेंट्स आर अ वेरी वेरी रियल थिंग. अगर आप मोटरसाइकिलिंग को एज अ स्पोर्ट चूज करते हो, एज अ हॉबी चूज करते हो, देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज. देर आर टू थिंग्स यू कैन डू टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिकम स्किल्ड, नो हाउ टू राइड वेल, know how to do emergency braking, know how to perfectly use your gearbox, your throttle, your tires, your suspension. Learn about these things because I can assure you it will make you 10 times more safer on the road. Just improving your skill sets. आप मेरे को fast ride करते हुए देखते हो, लेकिन honestly most of the time when I'm riding fast I am at
60% of my limit, 60-70%. That's one thing. The other thing is riding gear. You have to wear full gear, no compromises. If you're riding long distance, you have to. मेरे घर के 2-5 किलोमीटर के रेडियस तक मैं नहीं पहनता हूँ गियर, लेकिन अगर मेरे को पता है कि मैं रात को निकलने वाला हूँ दोस्तों के साथ नाइट राइड करने के लिए जिसमें हम सब भगा रहे रहेंगे, तो मैं फुल गियर पहनता हूँ. सो यू नो, बूट्स, पैंट्स, जैकेट, ग्लव्स, प्रॉपर हेलमेट, टाइट फिटिंग हेलमेट. मेरे दोस्त का एक्सीडेंट में उसका हेलमेट निकल गया था, इसलिए उसको बहुत हेड इंजरी हुआ, लेकिन अगर हेलमेट उसका रह गया रहता तो फिर नहीं होता. मैं बस अभी मेरे फेवरेट गाने लगाता हूँ. लेट मी एंजॉय द राइड मैन, आई हैव कम टू महाबलेश्वर, आई हैव टू एंजॉय दिस. जो रोना धोना रहेगा वो घर जाके कर लूंगा. लेट्स गो. वू, डीजे आर्या, हिट द म्यूजिक, बूम. अभी हम पहुंच गए हैं लोनावला. पुणे का ट्रैफिक क्रॉस कर लिया. पुणे में एक फ्रेंड को थोड़ा टाइम मिल भी लिया. अभी 3:30 हो रहा है तो थोड़ा सा लेट चल रहा है, बट कोई बात नहीं. और कोई नहीं यार, राइड को तो मैंने बहुत एंजॉय किया. क्रैश के बाद भी कोई इतना मतलब ठीक था. फिर भी लीन करने का कीड़ा तो नहीं निकला है. कैसे निकलेगा? ओह यह बॉय, इतना स्लो जाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे रे? हट जा इनोवा. गुड टर्न्स, फॉर्चुनेटली खाले मिले. अब तक 430 किलोमीटर हुए राइड को, तो यहाँ से मेरा घर मेरे गांव से 80-90 किलोमीटर जितना रहेगा, तो कुछ 500 किलोमीटर की राइड. एसटी बस. महाबलेश्वर की राइड करने का वन ऑफ द रीजंस वाज कि रीबिल्ड के बाद इसके इंजन का क्या नेचर है, क्या रिफाइंडनेस है, उसका मुझे आइडिया लगे. ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इट इज मच स्मूदर. नॉर्मल 390 में तो जिटरिंग होता है लो आरपीएम पे, वो सब तो है ही. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ सिंगल सिलेंडर, तो थोड़ा बहुत तो बजिंग और वाइब्रेशंस रह गई, तो ठीक है उतना. एंड सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि ये बाइक कितना टूरिंग फ्रेंडली है. देखो टूरिंग में ये बाइक में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द फ्यूल टैंक कैपेसिटी. अगर आपको रूट पता है तो आप 200 किलोमीटर जितना इसके पेट्रोल की टाकी को खींच सकते हो. अगर आपको रूट नहीं पता है, आपको पता नहीं है कि फ्यूल पंप्स कहाँ पर आएंगे, तो आई वुड से स्टॉप एवरी 150 किलोमीटर टू फ्यूल अप. एंड यू नो ओवर अ स्पैन ऑफ 1000 किलोमीटर राइड, अ वन डे राइड, वो बहुत ज़्यादा फ्यूल स्टॉप्स हो जाते हैं. उसमें टाइम भी जाता है, एनर्जी भी जाता है, दिमाग का भी होता है. एंड जब फ्यूल भरने के लिए रुकते हैं, कभी यूपीआई काम करता है, कभी नहीं करता है, कभी लोग यूपीआई लेते हैं नहीं लेते हैं, वो सब इश्यूज बढ़ जाते हैं विद दिस स्मॉल फ्यूल टैंक. द रीजन व्हाई टूरिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इज बिकॉज आई हैव दिस आइडिया इन माय माइंड. मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा वो आइडिया को, क्योंकि वो बहुत ही क्रेजी है और मैं नहीं चाहता कि कोई उसको चुरा ले या फिर उसको एग्जीक्यूट कर ले. मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ उसके पहले. मेरा जो प्लान है वो अल्ट्रा एंड्योरेंस राइडिंग का प्लान है, लाइक अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स इन नॉट अ लॉट ऑफ टाइम. और मेरे को नहीं लगता है कि किसी ने इंडिया में स्पोर्ट्स बाइक पे इतना अल्ट्रा एंड्योरेंस किया है, नॉट दैट आई नो ऑफ. सो मेरा प्लान है कि इसके साथ एक थोड़ी सी क्रेजी राइड करूँ. अभी पता नहीं वो हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, यू नो, फाइनेंसेस, टाइम. एंड ऑल्सो अगर मैं सोलो करता हूँ तो फिर वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा. अगर मैं सोलो नहीं करता तो फिर मेरे को मेरी तरह एक संकी ढूंढना पड़ेगा जो ऐसी राइड कर पाए. सोलो राइडिंग में मजा आता है मेरे को, लेकिन प्रॉब्लम इज जस्ट दैट अगर बाइक को कुछ हो गया या फिर एक्सीडेंट में आपको कुछ हो गया, तो इट रियली हेल्प्स कि आपका कोई बंदा वहां पर हो. मेरे दोस्त का जो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आईसीयू में था, वो तो मैं उसके साथ था कि यू नो अर्जेंटली उसको हॉस्पिटल पहुंचाया एंड वी डिड ऑल द राइट थिंग्स. बट अगर मैं नहीं होता तो फिर उसका क्या होता? कौन उसको पहुंचाता? फिर कोई उसको फोन ले लेता या फिर बाइक के साथ कुछ हो जाता या फिर यू नो जस्ट अपना कोई रहता है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है. बट एनीवेज एक आइडिया है मेरे पास. होपफुली इन दिसंबर और जनवरी आई कैन एग्जीक्यूट दैट आइडिया. अगर ये बाइक पे नहीं तो फिर मैं बजाज डोमिनार पे करना चाहूँगा, क्योंकि ये सेगमेंट में वही एक बाइक है जो उतना टूरिंग संभाल सकती है जो मेरे को करना है. बट इट वुड बी समथिंग स्पेशल इफ आई डू इट ऑन माय ओन बाइक, ऑन अ बाइक देयर इज नॉट सपोज टू टूर एट ऑल. अगर वैसी बाइक पे करता हो तो उसका अलग मजा आएगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. लेट्स सी. लोनावाला टू मुंबई का जो रोड है वो तो अपना घर जैसा है. 4000 बार मैंने किया है उसको. आई लव इट.
आई लव इट, द रोड क्वालिटी इज गुड, ट्रैफिक भी इतना ज्यादा नहीं रहता है। खाली मैंने देखा है इंटीरियर महाराष्ट्र में ड्राइविंग लोगों की बहुत खराब रहती है, मिरर विरर चेक नहीं करते, बहुत बार देखा है मैंने, तो थोड़ा संभाल के रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट। वो लोकल है, आप कुछ कर नहीं सकते, अगर कुछ हो गया तो आपकी नहीं चलेगी इधर। ऐसे भी तो केसेस हुए ना कि यू नो बाइक वाले ने किसको उड़ा दिया और फिर लोकल लोग उसको वहीं पर ख़त्म कर देते लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं होगा, महाराष्ट्र इज क्वाइट सेफ। बट हाँ, ये सब प्रॉब्लम्स है यार, टूरिंग के साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, रिस्क काफ़ी है।